नमस्कार दोस्तों, आज हम जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स टॉपिक है अपना, उसमें पिछले सालों में जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सरल टॉपिक हैं और बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ हर टॉपिक वाइज, वो कंसेप्ट आप जो मैं करवा रहा हूँ वो कंसेप्ट अच्छे से तैयार कर लेना, निश्चित तौर पर यही क्वेश्चन आएंगे। बस जितने फॉर्मूले जितनी चीज़ें मैंने याद करने की कही हैं वो अगर याद हैं तो निश्चित तौर पर सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, पिछले सालों में 2022 का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड के अंदर, उसमें मैट्रिक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आए, 2018, 2016, 2013, 2011 इस प्रकार जो एग्जाम हुए हैं 10 के अंदर, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है, जो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि पूरा सेकेंड ग्रेड से संबंधित मैटर इस चैनल पर आपको मिल जाए, तो इस कोशिश को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी कौन सा टॉपिक, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और कुछ लॉजिक्स के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, क्वेश्चन आया था सेकेंड ग्रेड 2022 के अंदर, 2022 जो पिछली सेकंड ग्रेड हुई थी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि यदि थ्री बाई थ्री कोटि की एक मैट्रिक्स ए का सहखंडस पी मतलब एडजॉइंट उसने दे रखा है पी, और ये कुछ इस प्रकार दे रखा है देखिएगा, 1 alpha 3 1 3 3 और 2 4 4 है, तथा ए का डिटरमिनेंट वो बराबर 4 है, तो अल्फा का मान कितना होगा, तो अल्फा बराबर क्या, और ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार दिए थे कि 5 होगा, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन पी 11। ये क्वेश्चन था। अब देखो, बिल्कुल हमने जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं ठीक उन्हीं कंसेप्ट के अंदर ये क्वेश्चन है। कैसे है देखिए, इसने आपको सबसे पहले तो एडजॉइंट दे रखा है, एडजॉइंट ठीक है, और साथ में आपको ए सारणिक दे रखा है, तो इनके मध्य कोई रिलेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका मापांक लेते हैं, चूंकि जानते हैं आप एडजॉइंट ए का आप मापांक निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, ए की पावर एन माइनस वन। अगर यहाँ दो एडजॉइंट आ जाते, एडजॉइंट ए इस प्रकार दो आ जाते, दो का मापांक, तो ए की पावर एन माइनस वन की स्क्वेयर, इस तरीके से मैंने बताया था आपको, यही कंसेप्ट था। तो यही कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सेकंड तो इससे भी आसान क्वेश्चन है, तो 4 नंबर आप फ्री के मान सकते हैं। तो ये टॉपिक सबको करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है। अब देखिएगा, ये टॉपिक सबको करना ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहले इसका हम सारणिक निकालते हैं। सारणिक निकालना आपको सबको आता है कैसे, कि पहली ये ले लिया, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ दिया, 12 माइनस 12, फिर माइनस अल्फा, अब इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, 4 की गुणा 1 के साथ, 2 की गुणा 3 के साथ, तो 4 माइनस का 6 प्लस का, +3। इसके स्तंभ को, इसके पंक्ति को 4 × −6 और बराबर कितना आएगा, बराबर पहले एडजॉइंट निकाल रहे हैं अपन, एडजॉइंट का सारणिक निकाल रहे हैं, तो बराबर ए की पावर एन माइनस वन बाई टू, एन माइनस वन की स्क्वेयर, एन माइनस वन का मतलब, एन का मतलब कोटी, कोटी कितनी है, 3 3 − 1 स्क्वेयर नहीं आएगा, सॉरी ये ऊपर वाला लेंगे अपन, ये तो आगे समझाया था ना मैंने, इस रूप में है ना ये, तो ए की पावर एन माइनस वन, एन 3 3 − 1 2, तो यहाँ बराबर आ जाएगा, एक सारणी का मान कितना 4, ये रहा 4 की स्क्वेयर, ये 12 0 हो गया। आगे देखिए, 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 और ये हो गया 2 अल्फा प्लस का, आगे प्लस का 3, ये −2 फिर, और ये 3 − 6 = 16, तो ये देखिए 2 अल्फा = 22 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, और ये रहा आपका ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बोलो कितना आसान क्वेश्चन है,
ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मैट्रिक्स के बहुत सरल सरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर, ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, तो ये नोट्सों के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। और कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2022 के अंदर आगे वाला भी है, मैंने कहा 2 या 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड ग्रेड 2022 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको वही सारणी का मान निकालना है 2ab, ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, 2ab ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab और बी स्क्वेयर 2ab और ए स्क्वेयर, और पूछा है का मान बराबर है। अब ये ऑप्शन से करना है, कैसे करेंगे ये देखिएगा, ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की स्क्वेयर, दूसरा ऑप्शन माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की स्क्वेयर, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको माइनस 3 ए प्लस बी की स्क्वेयर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की पावर 3। अब ये सारे ऑप्शन से आपको करने होते हैं। अब देखिए ऐसे प्रसार करेंगे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से आप फॉर्मूला बिल्डअप करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा ये आसान तरीका है कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आप रख लीजिए, फिर ऑप्शन के अंदर हम चेक कर लेंगे वो वैल्यू रखकर, दोनों मान अगर बराबर आ रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और ए की सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं, ए बराबर 1 और बी बराबर 1, हम ये रखकर चेक करेंगे, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 हम रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 यहाँ 1 1 ए स्क्वेयर देखेंगे तो ए स्क्वेयर, या ए बराबर आप, हाँ 1 1 रख लेते हैं, ठीक है, और ए बराबर देखिए 1 रखा तो ए 1 स्क्वेयर, और ये हो गया 1 और ये 2 और यहाँ पर भी 1 2 और 1, ठीक है। अब देखिए आप प्रसार करना है सीधा सा, कोई काम नहीं, तो देखिए प्रसार करेंगे तो प्रसार करना अपने आता है, इसके स्तंभ को पंक्ति को छोड़ दिए, 1 गुणा इसके साथ 1 - 4 माइनस का 1 यहाँ पर लेंगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 गुणा 1 और ये 1 - 2, आगे प्लस का 1, इसके ही छोड़ दिया 2 - 1, ठीक है। आंसर देखिए क्या आएगा, ये हो गया -3 तो ये हो गया -6, ये भी क्या हो गया -1 और ये हो गया +1 और ये हो गया 1 तो ये आगे +1, तो देखिए कितना बचेगा -4, देखिए यही आंसर बच रहा है क्या, -3 ये 2 है -6, यहाँ बचा -1 -- +1, यहाँ बचा 1 + 1 -4। अब देखिए कौन से में a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर -4 आंसर आ रहा है, तो वो हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन, सबसे पहले तो ये ऑप्शन चेक करते हैं, तो a बराबर 1 रखेंगे, 1 + 1 2 2 की पावर 4, प्लस का 4 आ रहा है, माइनस का नहीं आ रहा, ये इसके अंदर रखेंगे तो 1 + 1 2 और ये पावर 2 होगी, 4 - 4 इसके अंदर आ रहा है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, बाकी और चेक कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ 1 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर 3 8 हो गया, यहाँ रखेंगे a + b यानी 2 2 की पावर 4, ये माइनस का 12 आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कौन सा, कि a बराबर 1 और b बराबर 1 रखकर आप रिजल्ट निकाल लीजिए और ऑप्शन के अंदर रख लीजिए, जहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ से अगर आप ऑप्शन के अंदर रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आप फटाफट लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों आपको मैंने करवा दिए, आगे और जो पिछले सालों में 2018-2016 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम कर लेते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन था बहुत आसान, क्वेश्चन आते हैं भाई ये टॉपिक के अंदर, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी कितने आसान क्वेश्चन हैं। तो मैट्रिक्स हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर,
अब एसआर सैनी के अंदर बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने बार बार मैं कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने स्तर के हैं, वही ही पूछे जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, उससे ज़्यादा पूछेगा तो किसी को भी नहीं आएंगे। तो उतना कार्य आपको करना ही नहीं है, बस आपको एग्जाम के अंदर 70 से 70 लगभग क्वेश्चन सही हो गए तो श्योर सिलेक्शन होगा। तो आपको बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा रणनीति रूप से पढ़ेंगे तो ही ये चीज़ें निकल पाएंगी। तो देखिए ऑप्शन है वर्ग सम मैट्रिक्स, और यही रणनीति इस बार अपन अपनाएंगे, वर्ग सम मैट्रिक्स, शून्य भावी मैट्रिक्स, शून्यभावी मैट्रिक्स नंबर 3, अंतर्वलनी मैट्रिक्स। अब देखो मैंने सारे ये चीज़ें एक एक चीज़ आपको बताई है भाई, क्या कौन सी क्या चीज़ होती है, अब भी आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, एक एक कंसेप्ट आपको बता दिया, बहुत मेहनत हमने इसके अंदर की है तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इनसे, तो ये गारंटी है। अब देखो तो ये मैट्रिक्स बतानी है कि कौन सी मैट्रिक्स ये होने वाली है, कि वर्ग सम मैट्रिक्स सबसे पहले पता होना चाहिए। वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वेयर बराबर ए आई, ठीक है। शून्य भावी मैट्रिक्स यानी आप इन दो गुणा करते जाएं सेम का सेम के साथ, अगर ये जीरो बन जाए तो ये शून्य भावी मैट्रिक्स होगी। अंतर्वलनी मैट्रिक्स होता है ए इनवर्स, यानी इनवर्स निकालें और वो ए के बराबर आ जाए। और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी ए का सारणिक बराबर जीरो। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ये सारणिक, क्या इसका सारणिक जीरो है, नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये शून्य भावी मैट्रिक्स यानी ये इसी का इसी के साथ हम गुणा कराएं तो क्या जीरो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम तो ये जीरो वन, देखिए पहले वन आ गया तो ये शून्य भावी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम देखते हैं कि ए इनवर्स बराबर ए, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ए स्क्वेयर बराबर ए। अब देखो ए स्क्वेयर बराबर ए, स्क्वेयर आप कर रहे हैं एक साथ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आना चाहिए वापस वही आने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन तो आपका वैसे ही ये सही हो गया। और निकाल सकते हैं कैसे ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एड जॉइंट ए अपोन ए सारणिक, ए सारणिक की वैल्यू कितनी है माइनस वन, अभी हमने निकाला है, ठीक है। और ये एड जॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए कैसे, इन दोनों का क्रम बदल दो, इन दोनों के चिन्ह बदलने होते हैं तो इन दोनों का क्रम जीरो जीरो ही रहेगा, माइनस वन माइनस वन, और अपोन में ए सारणी का भाग, एक सारणी क्या है माइनस एक। अब कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जीरो वन जीरो, देखो वापस वही आ गया ना ए, तो ये क्या होगी वर्गसम मैट्रिक्स होगी, सॉरी अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, आगे देखिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एक सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो, तो यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो तथा के बिलोंग टू आर, तथा के बिलोंग टू आर, तो एडजॉइंट एडजॉइंट के ए बराबर है। अब देखो ये मैंने साफ साफ एक फॉर्मूला बताया था, अब वो वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है अभी जो मैंने नया कराया हो, पिछले सालों में आया हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको नहीं आ रहा होगा, कंसेप्ट सारे बताए हैं। और कई बार ना आए तो थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए और के की पावर एन। अब देखो मैंने बताया था कि इससे बाहर निकालने के लिए, एडजॉइंट से बाहर निकलेगा तो के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए, ऐसा बाहर निकलता है। तो ऐसा कहाँ है, ये फॉर्मूला है सीधा, ठीक है। ठीक है अब देखो 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपको मैट्रिक्स दिए है एक 5-3 2 और 4-2 1 0 6 7, और पूछा है कि का अनुरेख है, का ट्रेस है, का अनुरेख, और इंग्लिश के अंदर ट्रेस कहते हैं इसे, ट्रेस है। अब देखो ट्रेस क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ये देखो
ऑप्शन दे दिया 3, दूसरा दे दिया आपको 10, तीसरा दे दिया 13, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिए इसने। अब आपको पता होना चाहिए भी ट्रेस होता क्या है। ट्रेस होता है जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं उनका योग ट्रेस होता है। ये देखिए मुख्य विकिरण है, ये इनका योग क्या होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। मुख्य विकिरणों का योग ही क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। तो इसका करेंगे तो योग देखिए 5 माइनस 2 प्लस का 7, 7 और 5 12 माइनस 2 यानी 10, 10 आंसर आ गया और ये रहा। आगे देखिए 2011 के अंदर ही क्वेश्चन आया है, ये पिछले सालों के क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन की और क्लास बना देंगे अपन जो एसआर सैनी बुक से क्वेश्चन होंगे उसके या और जो बुकें हैं उनसे क्वेश्चन बना देंगे। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि सारणिक दिया है आपको, सारणिक देखिए 1 1 1 ए बी सी और बी बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी का मान है, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए थे 2 ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वेयर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 3 ए बी सी और चौथा है 0। अब देखिए सबसे पहले एक मैंने बताया था कि अगर इस रूप में मैट्रिक्स है तो हमें इसे अलग के रूप में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो देखिए 1 1 1 ए बी सी बी सी ए और प्लस में 1 1 1 ए बी सी और यहाँ पर आगे वाला सी ए बी। अब इन दोनों का आप नहीं निकाल सकते क्या, दोनों का डिटरमिनेंट दोनों का सारणिक निकाल सकते हैं। देखिए इसका निकालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, देखिए निकाल लीजिए इन दोनों को, सीधा सा सोल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हमें। इनका निकालेंगे इसका निकालेंगे तो दोनों का योग 0 आ जाएगा, सारे हैं वो ए बी बी सी सी ए सब कट जाएंगे इसके अंदर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ऐसे ही माइनस वाले, इसके अंदर माइनस क्या जाएंगे इसके अंदर प्लस क्या जाएंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो ये आंसर इसका आएगा। एक क्वेश्चन और अभी अपन करते हैं, देखिए लिख लीजिए आप इनको, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये सारे। देखिए सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर ही पूछा गया है क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2016 क्वेश्चन था इस प्रकार कि यदि मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपको दी है ए बराबर एक्स माइनस 1 2 2 3 एक्स माइनस 1 और 2 3 3 एक्स माइनस 1, तब एक्स के वास्तविक मानों की संख्या, तब x के वास्तविक मानों की संख्या, वास्तविक मानों की संख्या, वास्तविक मानों की संख्या जो समीकरण d बटा dx और इसके सारणिक जो इसका सारणिक मान निकालेंगे उसका अवकलन कह रही है और वो बराबर 0 को संतुष्ट करती है, ये कहा इसने। और ऑप्शन है बीस के कितने आंसर होंगे, सीधी सी बात है 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा ऑप्शन है 3। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, करेंगे क्या इसका, सबसे पहले तो सारणिक हम निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे तो एक 3 घात की एक समीकरण आपको मिल जाएगी 3 घात की, फिर उसका अवकलन करेंगे, देखिए अवकलन करेंगे तो 3 घात की एक्स क्यूब है तो अवकलन करने के बाद वो 3x स्क्वायर हो जाएगी, x स्क्वायर के पद में मिल गई, इस रूप में समीकरण मिलेगी x स्क्वायर। अब इस रूप में समीकरण है तो उसके मान कितने होंगे, दो मान होंगे, x के दो मान होंगे, दोनों मान क्या होंगे वास्तविक होंगे। अब दोनों मान वास्तविक हैं तो यही सीधा आंसर हो जाएगा कि देखते ही पता चल जाएगा कि दो मान होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें
आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा देखते ही पता चल रहा है कि इस रूप में देखिए सभी गुणा होंगे तो तीन घात के बनेंगे। वैसे आप सारणिक निकाल कर भी करेंगे तो वही चीज़ होगी, तो थोड़ा सा आप ऐसे भी लॉजिक लगा कर भी करेंगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये लगभग आपको 2013, 16, 18 ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे अपन और एक लेक्चर करेंगे जिसके अंदर और जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, फिर उसके बाद क्रमचय संचय अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।